हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फ्री स्टडी जैम एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर फ्री स्टडी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड जनरल स्टडीज़। तो आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फ्रॉम आर के जैन। तो आज हम लोग देखेंगे ये क्वेश्चन नंबर 30 से लेके क्वेश्चन नंबर 80 तक के 50 क्वेश्चन। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 31 क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक गैस कॉन्स्टेंट ऑफ अ गैस इज इक्वल टू। तो आर की वैल्यू क्या होती है, मेयर्स इक्वेशन क्या होती है आपकी, डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी पार्ट, सी पी माइनस सी वी। इसके बाद 32 है, द बिहेवियर ऑफ गैसेस कैन बी फुल्ली डिटरमाइंड बाई। तो उसके लिए हमें चार लॉस की वो जरूरत पड़ती है, कौन कौन से, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे लुसेक लॉ और एवोगैड्रोस लॉ। ठीक, तो ये हो गया आपका डी पार्ट। इसके बाद आपका 33 है, द इक्वेशन पी प्लस ए बाई वी स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल टू आर टी इज नोन एज। यहाँ पे टी होगा तो आर टी इज़ नोन एज, तो इसी तो ये इक्वेशन आती होगी वंडर वॉल्स इक्वेशन। ठीक, और यहाँ पे आपका क्या होगा टी। ठीक, इसके बाद है 34, द रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट्स ऑफ एयर इज इक्वल टू। तो आपकी गामा की वैल्यू पूछी जा रही, तो गामा की वैल्यू कितनी होती है, 1.41 फॉर एयर। ठीक, और अगर आपसे कोई मोनो एटॉमिक गैस होगी तो उसके लिए कितनी होती है, 1.66। ठीक, इसके बाद 35 क्या है, बॉयल्स लॉ पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज अप्लीकेबल टू गैसेस अंडर ओनली स्मॉल रेंजेस ऑफ प्रेशर। ठीक, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी पार्ट। इसके बाद 36 है, विच लॉ स्टेट्स दैट द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो ये कौन से लॉ में बताता है, जूल्स लॉ। ठीक, इसके बाद 37 है, द सेम वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस वुड रिप्रेजेंट देयर। तो ये क्या है आपका, मॉलिकुलर वेट्स। ठीक, ये तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया सी पार्ट। ओके, इसके बाद 38 है, विच लॉ स्टेट्स दैट द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस रिमेन्स कॉन्स्टेंट एट ऑल टेम्परेचर्स एंड प्रेशर्स। तो ये कौन सा, ये आपका लॉ है, ये है रिग्नॉल्ड्स लॉ। इस लॉ के हिसाब से जो आपका स्पेसिफिक हीट होती है गैस की वो एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे कॉन्स्टेंट रहेगी। ओके, 39 क्या है, ओपन सिस्टम। तो ओपन सिस्टम में चाहे वो मास हो या फिर एनर्जी दोनों ही बाउंड्री को क्रॉस कर सकती हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी पार्ट, बोथ एनर्जी एंड मास क्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ द सिस्टम। इसके बाद 40 है, अकॉर्डिंग टू विच लॉ ऑल परफेक्ट गैसेस चेंज इन वॉल्यूम बाई 1/270 ऑफ देयर ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0°C फॉर एवरी 1°C चेंज इन टेम्परेचर व्हेन प्रेशर रिमेंस कॉन्स्टेंट। तो प्रेशर को कॉन्स्टेंट कर दिया है और वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया है टेम्परेचर के। तो ये आपका लॉ होता है चार्ल्स लॉ। ठीक, और बॉयल्स लॉ क्या होता है, प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक, तो इसमें तो इसके बाद 41 है, गैसेस हैव, तो गैसेस में दो स्पेसिफिक होती है, मतलब दो स्पेसिफिक हीट होती है, एक होती है एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम और दूसरी होती है एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ठीक, इसके बाद 42 है, अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। तो इसके हिसाब से क्या होता है आपका, द मॉलिकुलर वेट्स ऑफ ऑल द परफेक्ट गैसेस ऑक्यूपाई द सेम वॉल्यूम अंडर सेम कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो गया ए पार्ट। इसके बाद 43 है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम इज वन हुज वॉल्यूम। तो देखिए, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में मास पे डिपेंड करेगी, मतलब कि जो भी आपकी प्रॉपर्टी होगी वो मास पे डिपेंड करेगी, और इंटेंसिव में क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगी मास से। तो इसमें एक्सटेंसिव हमसे पूछा है, तो इसमें क्या होगा, डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द सिस्टम लाइक वॉल्यूम। इसके बाद ये 44 है, वर्क डन इन अ फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस। तो देखिए, वर्क डन जो होता है फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस में वो होता है 0, बट इंटीग्रल पी डी वी की वैल्यू 0 नहीं होती है। ठीक, ये आपको ध्यान वो रखना है, इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी बट वर्क डन आपका 0 होगा। ओके, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपका बन जाता है। ठीक, इसके बाद 45 है, द स्टेटमेंट दैट मॉलिकुलर वेट्स ऑफ ऑल गैसेस ऑक्यूपाई द सेम वॉल्यूम इज नोन एज। तो इसको हम लोगों ने देखा अभी, एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए पार्ट। इसके बाद 46 है,
to convert volumetric analysis to gravimetric analysis the relative volume of each constituent of the flue gases. तो देखिए अगर हमें volumetric analysis को gravimetric analysis में convert करना है तो उसमें जो आपका relative volume होगा of each constituent of the flue gases को तो उसमें हमें multiply करना पड़ेगा उसके molecular weight से. ठीक, so correct option is B part. इसके बाद 47 है, if a gas is heated against a pressure keeping the volume constant, तो volume constant है तो work done कितना रहेगा, 0. ठीक, करेक्ट ऑप्शन है सी पार्ट. 48 है, देखिए अभी हम लोगों ने ओपन सिस्टम में देखा था कि मास और एनर्जी दोनों ही क्रॉस कर रही थी. क्लोज्ड सिस्टम में मास क्रॉस नहीं करता है, एनर्जी कर सकती है. ठीक, और आइसोलेटेड इसमें आइसोलेटेड वो इसमें सिस्टम में दोनों ही क्रॉस नहीं करेंगे, चाहे वो मास हो या फिर एनर्जी हो. ठीक, नाइदर मास नॉर एनर्जी क्रॉसेज द बाउंड्रीज ऑफ द सिस्टम, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी पार्ट. इसके बाद 49 है, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस लाइक प्रेशर टेम्परेचर एंड डेंसिटी इन थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स आर, तो ये क्या है आपके पॉइंट फंक्शन है. ठीक, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करते हैं. ओके, इसके बाद 50 है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वान्टिटीज इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, प्रेशर है, टेम्परेचर है, स्पेसिफिक वॉल्यूम है, डेंसिटी है, तो क्या नहीं है, हीट, हीट हीट नहीं है. ठीक, तो हीट जो है वो प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम नहीं है. ओके, इसके बाद 51 है, अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोज लॉ फॉर अ गिवन प्रेशर एंड टेम्परेचर ईच मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस ऑक्यूपाइज सेम वॉल्यूम. ठीक, सो करेक्ट ऑप्शन इज ई पार्ट. इसके बाद आपका 52 है, मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर फॉर्म, तो जो आपका मिक्सचर होता है आइस और वाटर का वो क्या होता है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर. ठीक, तो इसको हम लोग बोलेंगे हेट्रोजेनियस सिस्टम. इसके बाद है 53, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम, तो इनमें से क्या क्या प्रॉपर्टी है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, इंटरनल एनर्जी है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, एंथैल्पी है, एंट्रोपी, तो इसमें ई होगा, ऑल ऑफ द अबव. ठीक, इसके बाद 54 है, ऑन वेट बेसिस एयर कंटेन्स फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन, तो देखिए वेट बेसिस पे जो एयर मतलब कि ऑक्सीजन होता है वो कितने परसेंट होता है, 23%. ठीक, ये वेट बेसिस पे होता है. ओके, तो इसको ये आपको याद रखना है, वेट बेसिस पे 23% होता है एयर का पार्ट. इसके बाद 55 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक, तो इसमें इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है. ठीक, तो देखिए प्रेशर इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, टेम्परेचर भी है, डेंसिटी भी है, स्पेसिफिक वॉल्यूम भी है, तो कौन सी नहीं है, हीट. ठीक, हीट इज़ नॉट द इंटेंसिव प्रॉपर्टी. ठीक, इसके पास 56 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट अ पाथ फंक्शन, तो इसमें देखिए पाथ फंक्शन कौन सी नहीं, हीट है, वर्क है, काइनेटिक एनर्जी, इंटीग्रल, VdP, ये सब पाथ फंक्शन है, तो क्या नहीं है पाथ फंक्शन, थर्मल कंडक्टिविटी. ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज ई पार्ट. इसके बाद 57 है, वर्क डन इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस बिटवीन अ गिवन पेयर ऑफ एंड स्टेट डिपेंड्स ऑन द एंड स्टेट्स, देखिए वैसे तो देखिए वर्क डन क्या होता है, पाथ फंक्शन होता है, बट फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए वो एंड स्टेट्स पर भी डिपेंड करता है. ठीक, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए पार्ट. इसके बाद आपका 58 है, हीट एंड वर्क, तो हीट एंड वर्क कैसे हैं, पाथ फंक्शन है. ठीक, सो करेक्ट ऑप्शन इज, तो इसके बाद क्या है 59. ठीक, तो 59 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स इज कांस्टेंट फॉर अ मोल फॉर मोस्ट ऑफ द गैसेस एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो ये क्या हो गया आपका वॉल्यूम. ठीक, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी पार्ट. इसके बाद आपका 60 है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डू नॉट रिप्रेजेंट द प्रॉपर्टीज ऑफ ए, मतलब कि इनमें से कौन सी क्वांटिटीज प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट नहीं करती है, तो क्या है आपका इंटीग्रल PdV, इंटीग्रल VdP, साइक्लिक इंटीग्रल PdV, साइक्लिक VdP, तो ये चारों ही प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करती हैं, तो ये क्या हो गया आपका ई पार्ट, नन ऑफ द अबव. इसके पास तो आपका 61 है, हर रिवर्सिबल पॉलीट्रॉपिक भी डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन, तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए PV की पावर n इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो करेक्ट ऑप्शन इज ए पार्ट. इसके बाद 62 है, विच इज़ ट्रू फॉर रिवर्सिबल पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, तो देखिए रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस होता तो उसमें हीट ट्रांसफ़र ना करती, अब चूंकि पॉलीट्रॉपिक है तो कुछ ना कुछ तो हीट ट्रांसफ़र करेगी, तो करेक्ट ऑप्शन होगा सम हीट ट्रांसफ़र टेक्स प्लेस. टेक, सो करेक्ट ऑप्शन इज
ई पार्ट। इसके बाद 63 है स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर एट कांस्टेंट वॉल्यूम सी वी इज इक्वल टू, तो ये होगा 0.71। अब कई लोग को लग रहा होगा कि वो तो 0.718 होता है, तो देखिए इसमें जो इन्होंने यूनिट नहीं वो बताई है, इन्होंने जो आंसर दिए हैं वो दिए हैं किलो कैलोरी के हिसाब से, ठीक। तो अगर आप ये अगर आप 0.718 किलो जूल पर किलोग्राम को अगर किलो कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे तो आपका 0.17 आ जाएगा, ठीक। तो इसमें हम लोग किलो कैलोरी के वो किलो कैलोरी लेकर चलेंगे, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए पार्ट। इसके बाद है 64 द रिलेशनशिप बिटवीन टू स्पेसिफिक हीट्स सी पी एंड सी वी इज गिवेन एट ये इज गिवेन एज फॉलो, तो ये होगा आपका सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर बाई जे, ठीक। इसके बाद है 65 द वैल्यू ऑफ सी वी फॉर ऑक्सीजन इज 5 कैलोरी पर मोल डिग्री केल्विन एंड द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट 1.4 द डिफरेंस बिटवीन सी पी एंड सी वी, तो हमें आर की वैल्यू पता चल जाए, तो सी पी बाई सी वी कितना होता है गामा, वो कितना दिया है 1.4, तो यहाँ से अगर आप सी पी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो आएगी 1.4 इंटू 5 मतलब 7, तो सी पी की वैल्यू 7 है, सी वी की वैल्यू 5 है, तो सी पी माइनस सी वी कितना हो जाएगा 2, ओके। इसके बाद 66 है द वैल्यू ऑफ पॉलीट्रोपिक एक्सपोनेंट एन इन द रिवर्सिबल पॉलीट्रोपिक प्रोसेस यूजुअली वेराइज बिटवीन, तो ये आपकी वेरी करती है 1.2 से लेके 1.4 तक, ओके। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी पार्ट। इसके बाद 67 है इफ द वैल्यू ऑफ एन इज हाई इन द पॉलीट्रोपिक प्रोसेस देन द कंप्रेसर वर्क बिटवीन गिवन प्रेशर लिमिट्स देन द कंप्रेसर वर्क बिटवीन गिवन प्रेशर लिमिट्स विल बी, तो ये होगा आपका लेस, ठीक। तो क्योंकि एन माइनस वन आपका डिनोमिनेटर में होता है, ओके। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए पार्ट। इसके बाद 68 है द वैल्यू ऑफ एन इक्वल टू 1 इन द पॉलीट्रोपिक प्रोसेस इंडिकेट्स इट टू बी, तो देखिए पी वी की पावर एन होता है, एन की वैल्यू अगर आप 1 रखेंगे तो पी वी इक्वल टू हो जाएगा कॉन्स्टेंट, ठीक। तो वो क्या होगा आपका आइसोथर्मल प्रोसेस, ओके। तो इसमें क्या हो जाएगा बी पार्ट। इसके बाद 69 है द एडियाबेटिक इक्वेशन ऑफ अ परफेक्ट गैस इज, तो एडियाबेटिक इक्वेशन ऑफ अ परफेक्ट गैस क्या होगा पी वी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक। ये एडियाबेटिक इक्वेशन, तो इसमें गामा रहेगा और पॉलीट्रोपिक में एन। इसके बाद 70 है सॉलिड एंड लिक्विड, देखिए सॉलिड और लिक्विड के लिए सिर्फ एक ही स्पेसिफिक हीट होगी और वो किसी भी प्रोसेस पर डिपेंड नहीं करेगी, चाहे वो आपका कॉन्स्टेंट प्रेशर हो या फिर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम हो, स्पेसिफिक हीट सेम ही रहेगी, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ए पार्ट। इसके बाद 71 है अ परफेक्ट गैस एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर टिल इट्स वॉल्यूम इज डबल द फाइनल प्रेशर इज, तो देखिए कांस्टेंट प्रेशर की बात हो रही है, तो इसमें कौन सा वो लॉ लगाएंगे चार्ल्स लॉ, ओके। तो इसको फिर फाइंड करेंगे, ओके। तो चार्ल्स लॉ के हिसाब से वी इक्वल टू 1/T, मतलब ये कॉन्स्टेंट, ठीक, ए 1/T नहीं, ये होगा आपका V इक्वल टू टी, ठीक। तो V1 T1 और डिवाइडेड हो जाएगा V2 और T2, ओके। तो इसमें आप फाइंड कर लेंगे, ठीक। T1 आपको दिया है 300 केल्विन और वॉल्यूम को V2 है 2V, ठीक। यहाँ से आप जब ये करेंगे तो T2 की वैल्यू आएगी T2 वैल्यू आ जाएगी 600 केल्विन और वो हो जाएगा, और इसमें जो आपने इन्होंने जो आंसर दिए वो दिए हैं डिग्री सेंटीग्रेड में, तो 600 में से 273 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस करेंगे तो आएगा आपका 327 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी पार्ट। इसके बाद 72 है कर्व ए इन फिगर बिलो कंपेयर टू कर्व बी एंड सी शोज द फॉलोइंग टाइप ऑफ एक्सपेंशन, तो देखिए कर्व ए आपका होगा आइसोथर्मल, कर्व बी आपका होगा ये वो होगा पी वी मतलब वो होगा पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए, ठीक, और कर्व सी होगा आपका एडियाबेटिक के लिए, ठीक। तो इसमें कर्व ए पूछा है तो वो होगा आइसोथर्मल, 73 में पूछा है आपका कर्व बी तो वो होगा पी वी की पावर एन इक्वल टू पी वी पावर एन इक्वल टू सी मतलब पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, और इसमें 74 में पूछा है कर्व सी तो वो होगा एडियाबेटिक, ओके। इसके बाद 75 है इफ वैल्यू ऑफ एन इज इनफाइनाइटली लार्ज, ठीक, एन की वैल्यू इन्होंने इनफाइनाइट पुट कर दी है तो ये कौन सा वो होगा प्रोसेस, तो ये होगा आपका कॉन्स्टेंट वॉल्यूम का, ओके। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए पार्ट। इसके बाद 76 है द इंडेक्स ऑफ कंप्रेशन एन टेंड्स टू रीच रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स गामा वेन, एक तो आपका प्रोसेस आइसेंट्रोपिक हो और स्पेसिफिक हीट चेंज ना हो टेम्परेचर के साथ, ठीक। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी पार्ट। इसके बाद 77 है
चेंज इन एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम इज द हीट सप्लाइड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर. ठीक, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए पार्ट. इसके बाद 78 है एनटीपी, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर. ओके, इसके बाद और इसी तरह एक होता है एसटीपी, तो वो क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. ओके, इसके बाद 79 है या हीट एक्सचेंज प्रोसेस इन विच द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेंस कॉन्स्टेंट. तो देखिए पीवी की वैल्यू ये लोग बोल रहे हैं कॉन्स्टेंट है, तो ये कौन सा प्रोसेस हुआ, तो ये तो आपका हो गया वो आइसोथर्मल, और ये हाइपर, ये मतलब इक्वेशन जो बन रही है वो हाइपरबोला की बन रही है, तो इसको हम लोग हाइपरबोलिक प्रोसेस भी बोल सकते हैं. ओके, इसके बाद 80 है द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज अ फंक्शन ऑफ ओनली. तो देखिए जो आपकी इंटरनल एनर्जी होगी, एंथैल्पी होगी, ये सिर्फ डिपेंड करती है टेम्परेचर पे. सो करेक्ट ऑप्शन इज बी पार्ट. ओके, तो ये आपके हो गए 50 क्वेश्चन. ओके, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिर से 81 से लेके 130 तक के क्वेश्चन देखेंगे. एंड इसके बाद थैंक यू एंड सब्सक्राइब दिस चैनल.